हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्योपैथिक मास्टर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हेल्थ टिप्स से रिलेटेड कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। दोस्तों, अगर किसी के मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो दोस्तों ऐसे में कैसे घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना चाहिए, तो दोस्तों ऐसे ही घरेलू नुस्खों के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस प्रकार की कंडीशनों में हमारा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। दोस्तों, अत्यधिक स्वादिष्ट खाना खाने से हमारा जो मुंह का स्वाद है वह बिगड़ जाता है, और शराब पीने या तंबाकू खाने से भी मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कई प्रकार के भोजन खाने से कई बार मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। और दोस्तों, अगर मुंह के अंदर लाल सा होना, सांसों से बदबू का आना और खांसी होना, अगर ये सभी कंडीशंस होती हैं तो ऐसे में भी आपको मुंह से रिलेटेड कोई भी परेशानी खड़ी हो सकती है, अगर या फिर आपका मुंह का स्वाद बिगड़ सकता है या फिर कोई भी एटसेट्रा कोई भी प्रकार की परेशानी खड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशनों में आप लोग को किस प्रकार के घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों के मुंह का स्वाद बिगड़ गया है तो दोस्तों ऐसे में आप एक बेकिंग सोडा एक चम्मच लीजिए और नींबू का रस लीजिए, दोनों को पेस्ट बना लीजिए और दांतों को साफ करने के लिए रोज़ाना उपयोग में लाइए। दिन में एक से दो बार इसको आप प्रयोग में लाएंगे तो आपको अत्यधिक लाभ होगा। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे घरेलू नुस्खे के बारे में। दोस्तों, आपको नींबू के रस को गुनगुने पानी में मिला करके मुंह से कुल्ला करना है दिन में एक से दो बार। ऐसे में दोस्तों आपके मुंह की जो अशुद्धियाँ होंगी, जैसे कि आपके मुंह से बदबू आती है, तो दोस्तों वह ठीक हो जाएगी और आपका जो मुंह का स्वाद है बिगड़ा हुआ होगा तो दोस्तों वह भी धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का भी आप घरेलू नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं, आपको 100% फ़ायदा होगा। दोस्तों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा तीसरा नुस्खा है बुखार से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर आप लोगों को कभी बुखार हुआ हो तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो मुंह का स्वाद होता है वह बिगड़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों को किस प्रकार का घरेलू नुस्खा अपनाना है, दोस्तों ऐसे में आप लोगों को एक लौंग लेना है, उसको मुँह में रख करके चूसना है और बाद में उसे खा लेना है। तो दोस्तों ऐसे में आपका जो मुँह का स्वाद है वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारा चौथा घरेलू नुस्खा है इस प्रकार से है कि सेब का सिरका लीजिए और एक गिलास गर्म पानी में सेब का सिरका मिला लीजिए और थोड़ा शहद भी मिला लीजिए। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि जो आपका मुंह की अशुद्धियाँ होंगी और जो आपका मुंह का अगर स्वाद बिगड़ा हुआ भी होगा तो दोस्तों वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में और जो आपके रिलेटेबल हैं सभी को इस वीडियो के बारे में पता चल पाए और इन घरेलू नुस्खों के बारे में पता चल पाए, ताकि वह इस प्रकार की परेशानियों से अगर निजात पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन सभी घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके इन परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से ज़रूर पूछें, मैं उसका जल्द से रिप्लाई करूँगा। एंड दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को क्लिक जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड एंड हेल्थ टिप्स से रिलेटेड वीडियोस डाला करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।